नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे बॉक्स गर्डर का स्ट्रेसिंग कैसे किया जा रहा है साइड पे, जिसका लेंथ 40 मीटर का है और विड्थ 12 मीटर का है। इसका जो थिकनेस है डाया 12.7 mm है। ये 7 प्लाई अनकोटेड स्टैंड है। इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये एंकर कोन जो कास्टिंग किया गया है एंड ब्लॉक उसके साथ सबसे पहले लगाया जाता है, वो कास्टिंग जिसका साइज 19T13 है। 19T13 का मतलब इसमें 19 नंबर ऑफ ये केबल है और ये इसका जो साइज है स्ट्रेसिंग केबल का 12.7 है, इसको 13 हम काउंटिंग करते हैं, इसीलिए 19T13। उसके बाद इसमें लाइव वेजेज है हाफ इंच का। इतना मटेरियल सबसे पहले इसमें इसको इंसर्ट किया जाता है। इसमें टोटल गर्डर में 18 नंबर ऑफ स्ट्रेसिंग केबल लगेगा। एक साइड 9 है और दूसरे साइड 9 है। दूसरा साइड में वो जैक लग रहा है दोस्तों। अब वेब वॉल है, इसमें 5 नंबर ऑफ स्ट्रेसिंग केबल है, एक ये, 2, 3, 4 और 5। और उसके बाद इसके जो सोफिट है, सोफिट में 4 दिया है, जिसमें 3 केबल का स्ट्रेसिंग होगा और एक डमी केबल है, उसमें स्ट्रेसिंग वायर नहीं लगाया गया है, वो स्ट्रेसिंग नहीं होगा। सेम इसका सिमेट्रिकल दूसरे साइड में है। अब दोस्तों मैं आपको दूसरे साइड दिखा रहा हूँ जहाँ पे स्ट्रेसिंग चालू है। बियरिंग प्लेट के बाद इसमें सबसे पहले कॉलर प्लेट लगाया जाता है, जिसका साइज भी 19T13 का है। उसके बाद से इसमें कॉलर प्लेट के बाद से इसमें ये लॉकिंग प्लेट लगाया जा रहा है। लॉकिंग प्लेट लगाने के बाद इसमें ये पुलिंग प्लेट इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों इस जैक को इसमें लगा करके फिर इसके अंदर में मास्टर वेजेज लगा करके स्ट्रेसिंग चालू होगा दोनों साइड में। ये पहला एंड है। ये बॉक्स गर्डर का वैली साइड है और ये दूसरे एंड में जहाँ पे जैक लगाया जा रहा है, ये सेकेंड एंड है। सेकेंड एंड का वैली साइड है और ये हिल साइड है। मैं आपको जो कैलकुलेशन दिखाऊंगा दोस्तों उसमें वैली साइड और हिल साइड कैलकुलेशन रहेगा, इसीलिए आपको दिक्कत ना हो मैं बता रहा हूँ। दूसरे एंड में भी बियरिंग प्लेट इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं इसमें कॉलर प्लेट लग गया है। उसके बाद से इसमें लॉकिंग प्लेट लग रहा है। लॉकिंग प्लेट के बाद ये जैक को इंसर्ट करेंगे, जैक के बाद फिर पुलिंग प्लेट और पुलिंग प्लेट के बाद मास्टर वेजेज लगा करके इसका स्ट्रेसिंग किया जाएगा। वेव वाल का केबल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे केबल स्ट्रेसिंग हो चुका है। अब इसमें हम स्ट्रेसिंग करेंगे सोफिट का जो केबल है उसको स्ट्रेसिंग किया जा रहा है। हिल साइड का ये वेव वाल है और पूरा स्ट्रेसिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वैली साइड का जो वेव वाल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से अब हम हिल साइड में जो सोफिट का स्ट्रेसिंग केबल है उसको स्ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 30 kg/cm² पे प्रेशर दिया जा रहा है। पहला रीडिंग ले लिया गया है, दूसरा रीडिंग चालू है। दोस्तों ये हाइड्रोलिक जैक पंप है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जब हम स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तो इसमें इसका जो रीडिंग है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है 0 से 100
उसके बाद 200, 300, 400, 500, 600, 700 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दिया है। उसके बाद से ये लॉकिंग का है, जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं उसका ये है, ये प्रेशर का जो रीडिंग है धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है ग्रेजुअली। 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया गया है, जिसमें 30, 30, 60, 30, 90, 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक इसमें प्रेशर दे दिया गया है। दूसरे साइड में आपको लेकर के चल रहा हूँ, वहाँ पे भी सेम इसी तरह से इसका रीडिंग पढ़ा जा रहा है। उसके बाद से अभी चौथा रीडिंग 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया जा रहा है। प्रेशर दे दिया गया है 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, जाकर के ये चौथा रीडिंग रुक जाएगा। यहाँ पे जो इलोंगेशन आया है चौथा रीडिंग का 76 आया है जैक का। पांचवा रीडिंग दिया जा रहा है 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, इस पर जो इलोंगेशन आएगा उसको नोट किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो जैक लगा है 100 फीट के, उसमें इलोंगेशन कितना आ रहा है 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, उसको नोट किया जाएगा। कितना है? 92 mm आया है। और दूसरे साइड कितना आया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर जो इलोंगेशन आया है 91 आया है। और 6 नंबर 180 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया जा रहा है प्रेशर। इस पर कितना इलोंगेशन आएगा सबका डिटेल में कैलकुलेशन में आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से दोस्तों लास्ट 270 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर देंगे, इस पर कितना इलोंगेशन आ रहा है उसका डिटेल कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकली। मैं आपको साइट पे जो इलोंगेशन और जैक प्रेशर दे रहे थे उसका डिवीजन हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है, 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ये डिवीजन है, उसके साथ में ये इलोंगेशन है। तो ये सबसे पहले जो हमने 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर दिया तो उस पर कितना इलोंगेशन आया, यहाँ पे हमने नोट किया है 12 mm आया है। उसके बाद 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमने प्रेशर दिया तो 27 mm आया है। इस तरह से 90 पे 42, 120 पे 58। उसके बाद से इसमें क्या होता है, एक जीरो करेक्शन निकालना पड़ता है रीडिंग का, जैसे कि ये 27 mm आया है इलोंगेशन, उसमें से 12 mm को माइनस कर देंगे तो ये 15 mm आएगा। फिर 42 mm है उसको 27 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। फिर 58 को 42 से माइनस कर देंगे तो ये 16 mm आ जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज जीरो करेक्शन कितना आएगा, ये तीनों को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 15.33। ये जीरो करेक्शन का एवरेज है। उसके बाद से 61.33 ये कैसे आया, ये जीरो करेक्शन का है। 58 में से 12 को माइनस करके और 15.33 ये रीडिंग को ऐड कर देंगे, 61.33 आएगा। उसी तरह से फिर ये जो 6 नंबर रीडिंग 50 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 80 mm आएगा, ये 89, 109 ऐसे करते हमको मैक्सिमम जो प्रेशर देना है 270 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे देना है, यहाँ पे जो इलोंगेशन आएगा 142 mm आएगा। अब ये 145.33 कैसे आया, 142 में से 12 को माइनस करके 15.33 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 145.33। उसके बाद से प्रेशर को लॉक करके और रिलीज करेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगा इलोंगेशन 136 mm आएगा। 136 mm आएगा, वो जो 270 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे आया था 142 से माइनस कर देंगे तो स्लिपेज आ जाएगा 6 mm। सेम उसी तरह से इसके दूसरे साइड में भी सेम कैलकुलेशन किया जाएगा
और यहाँ पे जो स्लिपेज आ गया है 5 mm, ये स्लिपेज जो है 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इंच एंड में। ये हो गया पूरा कैलकुलेशन का डिटेल और जैकिंग फोर्स अप्लाई करने पे उसका इलोंगेशन कितना आ रहा है वो सारा डिटेल हो गया। एज़ पर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन में बनाया गया है डिवीज़न 30 30 kg/cm² के हिसाब से उसके अनुसार। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमको 270 के जो प्रेशर है वो कैसे आया, और इसमें जो मॉडिफाइड इलोंगेशन और मॉडिफाइड प्रेशर जो हम लोगों ने निकाला है वो कहाँ से आया है, 270 कहाँ से आया और ये इलोंगेशन 140 कहाँ से आया, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रेसिंग पैरामीटर्स है जो ड्राइंग में दिया हुआ है उसको हमने एक नोट बनाया है जिसमें दिया हुआ है नॉमिनल डाया ऑफ इंच स्ट्रेन 12.7 mm है, नॉमिनल एरिया ऑफ स्ट्रेन 98.7 mm² है, उसके बाद से यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये ड्राइंग में दिया हुआ है 1860 MPa या 260.7 kN, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील ये दिया हुआ है 195,000 MPa, एंकरेज स्लिप 6 mm एट एच इंड, उसके बाद कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.17/rad, ये ओवल कोफिशियंट है के 0.002/m, केबल एक्सटेंशन यानी कि इलोंगेशन 142 and 143 mm, ये है। इसमें जो जैकिंग फोर्स है टी वो टन में दिया हुआ है 278.6 टन, और एंकरेज का जो टाइप है 19T13 भी आप बोल सकते हैं, या 19K13 भी दे रहता है या 19WS13 भी दे रहता है, कोई भी दिया रहेगा उसमें इसका मतलब एक ही है। तो ये हो गया स्ट्रेसिंग पैरामीटर्स जो ड्राइंग में दिया हुआ है उसके अनुसार हम निकालेंगे मॉडिफाइड इलोंगेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है ए डैश इंटू ई डैश अपॉन ए इंटू ई इंटू ये डेल नॉट है, वेयर ए डैश इज इक्वल टू थियोरेटिकल या नॉमिनल एरिया हो गया, ये जो है एक्चुअल एरिया है, ई डैश है थियोरेटिकल इलास्टिसिटी और ई है एक्चुअल इलास्टिसिटी, और डीए डेल नॉट एक्चुअल इलोंगेशन हमको निकालना है मॉडिफाइड इलोंगेशन। तो मॉडिफाइड इलोंगेशन इज इक्वल टू होता है ये फॉर्मूला जहाँ पे इसका जो डिनोटेशन है मैंने बताया। अब हम प्रत्येक केबल का इसका मॉडिफाइड इलोंगेशन निकालेंगे। केबल नंबर एक के लिए जो मॉडिफाइड इलोंगेशन होगा फॉर्मूला को लिख हम सेम टू सेम एज इट इज पुट कर देंगे, उसके बाद से इसमें जो वैल्यू है ये थ्योरेटिकल जो एरिया है 98.7 इंटू ये जो थ्योरेटिकल इलास्टिसिटी है 195,000, तो इसको सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 139.67, ये अप्रोक्स इज इक्वल टू 140 mm के बराबर होगा। अब इसमें जो ये समझना है इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हिल साइड का वेब वॉल का मैंने आपको बता रहा हूँ, ये हमको मिलेगा इसके टेस्ट सर्टिफिकेट या जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसमें ये सारा डिटेल हमको मिलेगा जो केवल आया हुआ है बाहर से परचेज करके उसमें, तो मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये उषा मार्टिन का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है जिसमें ये केवल नंबर क्वाइल नंबर ये दिया हुआ है, उसका लेंथ सारा डिटेल है। तो सबसे पहले हमने उस केवल नंबर में कौन सा क्वाइल यूज किया है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जानकारी रखना। ये केवल नंबर इसका हमने यूज किया है जिसमें आप देख सकते हैं मेटालिक एरिया MM में दिया है 99.990, उसके साथ से ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किलो न्यूटन पर mm² में ये दिया हुआ है 196.470, उसी को मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है और कैलकुलेशन निकाला है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये केबल नंबर वन के लिए इसका इलोंगेशन, ये इलोंगेशन ड्राइंग में दिया हुआ है मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ।
दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये केबल का मार्किंग है, केबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 डमी केबल है। और इसमें सबका केबल एक्सटेंशन यानी कि इसका इलोंगेशन दिया हुआ है 142.56, ये 142.86, हर एक केबल का इलोंगेशन दिया हुआ है। उसके बाद केबल का ये जो लेंथ है वो भी दिया हुआ है। इसमें जैकिंग फोर्स जो है सबका सेम रहेगा 278.6। उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रैंड दिया है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड सब में 19-19 नंबर है। तो इस तरह से ये पूरा पैरामीटर्स दिया हुआ है। अब इसी को यूज करके हमको मॉडिफाइड इलोंगेशन और मॉडिफाइड प्रेशर निकालना है। उसी तरह से हम केबल नंबर 2 के लिए निकालेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 139.96 mm आएगा, यानी 140 के बराबर। इस तरह से केबल नंबर 1 से लेकर के 5 जो हिल साइड के वेब वॉल में आ रहा है उसका इलोंगेशन लगभग लगभग आप देख रहे हैं सबका सेम ही आ रहा है 140। उसके बाद से जो हिल साइड के सोफिट जो बॉटम में दिया गया है केबल नंबर 6, 7 और 8 उसका इलोंगेशन सेम उसी तरह से निकल जाएगा। इसमें सिर्फ केबल नंबर जो चेंज हुआ है इसीलिए उसका एरिया और इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगा। और केबल नंबर 6 के लिए जो एक्चुअल इलोंगेशन है वो चेंज हो जाएगा। ये जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है इसमें आप देख सकते हैं केबल नंबर ये जो हमने लिया था इसका एरिया हमने जितना लगना था नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ केबल में यूज हो गया है, उसीलिए हमने इस केबल को यूज की कर रहा हूँ। तो इस केबल का जो एरिया है 100.210 है mm². उसके बाद इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी इससे अलग है। अब इसको हम यूज कर रहे हैं, वही हमने फार्मूला में यहाँ पे पुट अप किया है। और इसी तरह से ये पूरा निकल करके आ जाएगा, इसका जो इलोंगेशन होगा 140 mm आएगा। सेम उसी तरह से वैली साइड एट द रेट वेब वॉल का जो केबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका जो इलोंगेशन आएगा 140 mm आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं, मॉडिफाइड प्रेशर, मॉडिफाइड प्रेशर कैसे निकालते। मॉडिफाइड प्रेशर इज इक्वल टू होता है फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया। हमारे पास फोर्स दिया हुआ है 278.6, ये टन में दिया हुआ है, हमको केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg। उसके बाद ये एरिया, एरिया जैक रैम एरिया है, जैक रैम एरिया दिया रहता है टेस्ट सर्टिफिकेट में, वहाँ से हमने इसको लिखा है 10.45.4 cm². उसके बाद परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी कितना दिया रहता है 98.75, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ टेस्ट सर्टिफिकेट में। दोस्तों ये जैक का एफिशिएंसी रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं जैक रैम एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर 1045.4 ये दिया हुआ है। उसके बाद से इसमें जो इफिशियंसी है हमारा जो जैक है 50/200 का है, तो 200 पे हम इसका जो इफिशियंसी देखेंगे 98.75 है, तो वही हमने वहाँ पे लिखा है। ये जो इफिशियंसी है परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी 98.75% है, तो इसको परसेंट है तो हमने 0.9875 लिखा है। और इसका जब कैलकुलेशन किया है तो 269.874 आएगा, जो कि लगभग 270 kg/cm² के बराबर होगा। टन को हमने बदल दिया है और ये जो यूनिट का जो कन्वर्जन करेंगे तो kg/cm² आएगा। अब हमारे पास आ गया मॉडिफाइड या स्पेसिफाइड गेज प्रेशर 270 kg/cm², जो हमने डिवीजन में आपको दिखाया था। इसलिए आप इसमें देख सकते हैं ये 30 kg/cm² के हिसाब से 270 तक हमने लिया है, इसीलिए लिया है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।